वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम रुचिका और आज का हमारा सेशन है जहां पर हम एक चैप्टर की लेसन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर का नाम है मेमोयर्स ऑफ अ छोटा साहेब। अब ये क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक में है एज चैप्टर 9 एंड दिस इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल एंड द बुक इज पब्लिश बाय एनसीईआरटी बट दिस इज ओनली इन द सिलेबस ऑफ असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन। सो असम स्टेट पे जो स्कूल्स हैं स्टेट बोर्ड के अंडर आते हैं वहां पर स्टूडेंट्स ये चैप्टर पढ़ेंगे। सो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके राइटर हैं जॉन रोनट्री। जॉन रोनट्री लास्ट ब्रिटिश सीनियर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे असम में। सो ब्रिटिशर्स के टाइम में वो सीनियर फॉरेस्ट कंजर्वेटर थे असम में और उन्होंने इस चैप्टर में बेसिकली असम में जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया उसके बारे में हमें बताया। ये एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस चीज को कि असम में कैसा उन्हें लगा, क्या क्या कुछ उन्हें देखने को मिला। उन्होंने एक बुक लिखी थी अ छोटा साहेब मेमोयर्स ऑफ अ फॉरेस्ट ऑफिसर, तो उसी बुक से हमें ये जो चैप्टर है ये मिला है। सो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, हम इसे पढ़ेंगे और इसे समझेंगे भी। वी अराइव्ड एट गुवाहाटी आफ्टर द लॉन्ग डस्टी जर्नी अक्रॉस इंडिया एंड मेड अ फर्स्ट होम ऑन द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र एज द कोल्ड वेदर वॉज गेटिंग अंडर वे एंड द क्लाइमेट बिकमिंग बेयरेबल। वी अब यहाँ पे कौन है? ऑब्वियसली वो जो जॉन रोनट्री है वो और उनकी फैमिली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुवाहाटी के स्पेलिंग्स भी थोड़े डिफरेंट हैं। आज की डेट में गुवाहाटी के स्पेलिंग्स डिफरेंट है। सो ये ऑब्वियसली जैसे कि हमने पढ़ा है ये ब्रिटिश टाइम का चैप्टर है, उन्होंने तब ये लिखा था तो तब ये स्पेलिंग्स यूज होते थे। तो वो क्या कहते हैं कि पूरा इंडिया क्रॉस करते हुए बहुत ही लॉन्ग और डस्टी जर्नी थी, जैसे कि ऑब्वियसली फॉरनर्स को तो लगता ही है कि इंडिया में बहुत ज्यादा डस्ट है। तो फाइनली वो गुवाहाटी पहुंचे और उनका जो पहला घर था वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर था। और वो कहते हैं कि वहां पे अब मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था तो उन्हें अच्छा लग रहा था क्योंकि उससे पहले तो इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। फिर वो कहते हैं द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज गिवन द वॉल्स ऑफ द बंगलो अ कोट ऑफ फ्रेश लाइम वॉश एंड हैड पेंटेड द वुड वर्क लिबरली विद अर्थ ऑयल। सो जैसे कि अब नए कॉन्जर्वेटर आ रहे थे तो उन्होंने बंगलों को एक बार फिर से उनके लिए रेनोवेट कर दिया। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने सारी वॉल्स को भी एक बार ही फिर से व्हाइट वॉश कर दिया और जितने भी वुडवर्क था उसे भी अर्थ ऑयल के साथ अच्छे से पेंट कर दिया। इन फ्रंट वॉज अ रेज्ड पोर्टिको विच सर्व्ड एज अ कारपोर्ट एंड ऑन टॉप अ वेरांडा फ्रॉम विच वी हैड अ स्प्लेंडेड व्यू ऑफ द रिवर एंड इट्स शिपिंग एंड बियॉन्ड द हिमालयस। रेज्ड पॉटिको क्या हुआ? एक रेज्ड प्लेटफॉर्म जैसे कि हम वरांडा भी कहते हैं। तो उनका जो बंगलो था उसमें ऐसे ही एक रेज्ड प्लेटफॉर्म था जहां पर वो गाड़ियों को भी खड़ा कर देते थे, वो एक पोर्च की तरह उस जगह को यूज करते थे और उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर था वहां पर एक जो वरांडा था वहां से उन्हें जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बहुत ही खूबसूरत दिखती थी और वहां पर जो चल रही शिप्स होती थी वो भी बहुत अच्छे से दिखती थी और उसके बियॉन्ड जो हिमालयन रेंज थी वो भी बहुत खूबसूरती से दिखाई देती थी। सो बहुत ही अच्छा सीनरी दिखता था उनके बंगलों से। इन द फोरग्राउंड वॉज पीकॉक आइलैंड विद द डोम ऑफ अ हिंदू टेम्पल जस्ट विजिबल थ्रू द ट्रीज। आई नेवर डिस्कवर्ड पीकॉक्स बट ओनली मॉन्कीज ऑन द आइलैंड। सो यहाँ पे जॉन रोनट्री थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि इन द फोरग्राउंड वॉज पीकॉक आइलैंड। पीकॉक आइलैंड एक बहुत ही फेमस आइलैंड है, रिवर आइलैंड है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर में लोकेटेड है। इसे पीकॉक आइलैंड इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी जो शेप है वो एक पीकॉक के फेदर्स के जैसी है। आज की डेट में इसे उमानंद आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फेमस शिव पार्वती का टेम्पल है। ये जो टेम्पल है इसका एंट्रेंस आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं और ये एक डोम शेप में है। डोम शेप कैसी होती है? गुंबद की शेप, जिसे ऐसे सेमी सर्कुलर शेप होती है, आर्क। तो कहते हैं कि ये जो आर्क थी, ये जो डोम था इस टेम्पल का, ये दिखाई देता था पेड़ों के बीच में से। और फर्दर वो हमें हंसाने के लिए कहते हैं कि आइलैंड का नाम तो पीकॉक आइलैंड था लेकिन उन्होंने वहां कभी पीकॉक्स नहीं बल्कि मंकीज देखे थे। अब आइलैंड का नाम पीकॉक आइलैंड इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे पीकॉक्स थे बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी शेप पीकॉक के फेदर्स जैसी थी। फिर वो कहते हैं एज द कोल्ड वेदर एडवांस्ड द ब्रह्मपुत्र श्रैंक एंड द डिस्टेंस बिटवीन पीकॉक आइलैंड एंड द मेन लैंड ग्रू लेस अंटिल बाय द एंड ऑफ द हॉट वेदर ओनली अ नैरो डिवाइडिंग चैनल रिमेन्ड।
तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, ब्रह्मपुत्र नदी है जो वो पतली होती गई, मीन्स उसमें पानी कम होता गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो पिकॉक आइलैंड है इसके और मेनलैंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम होता गया, और ऐसा हो गया कि लोग चलकर भी इस नदी को क्रॉस करके पीकॉक आइलैंड पहुंच सकते थे। तो पहले मान लीजिए अगर ब्रह्मपुत्र नदी इतनी चौड़ी थी तो धीरे धीरे वो बहुत ही पतली हो गई, एक स्ट्रीम जैसी बन गई, और लोग चलकर भी उसे क्रॉस कर सकते थे। और जब तक गर्मियां खत्म होने वाली आई तब तक तो सिर्फ एक बहुत ही पतला सा चैनल रह गया था, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं ना स्ट्रीम बह रही है, बहुत ही पतली हो गई थी ब्रह्मपुत्र नदी। There was a belief that if this channel ever dried up completely, it would mean the end of the British Raj. तो वहां उस एरिया में ये माना जाता था कि अगर कभी ब्रह्मपुत्र नदी का जो पतला सा स्ट्रीम है वो भी सूख जाएगा तो उस दिन भारत में अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। अब ये चीज कभी प्रूफ तो नहीं हुई लेकिन ऐसा कहा जाता था। In some years, it very nearly did, but whether one could walk dry shod to the island in 1947, Independence year, I don't know because I no longer lived in Guwahati at that time. तो यहाँ पे जॉन रोन्ट्री कहते हैं कि हाँ, 1947 में ब्रिटिश का राज तो खत्म हो गया था भारत में, लेकिन ये नहीं पता कि क्या तब तक ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल सूख गई थी वहां से, और क्या कोई पैदल चल के उसे क्रॉस कर सकता था या नहीं, क्योंकि अब वो गुवाहाटी में नहीं रहते थे तो उन्होंने उस चीज को विटनेस नहीं किया। फिर वो कहते हैं, ऑल्दो गुवाहाटी वॉज द पोर्ट ऑफ एंट्री सो टू स्पीक इन टू आसाम, मोस्ट ट्रेवलर्स पास थ्रू ऑन देयर वे बिटवीन कैलकटा एंड शिलोंग और टू डिस्ट्रिक्ट फर्दर अप द वैली। सो ऐसा माना जाता है कि जो गुवाहाटी है वो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसका एंट्री पॉइंट है। यहाँ आप मैप पे देख सकते हैं ये है गुवाहाटी। तो कहते हैं कि ये जो लोग कैलकटा से शिलोंग तक ट्रेवल करते हैं ना वो गुवाहाटी जरूर क्रॉस करके जाते हैं, और वैसे भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो गुवाहाटी से आगे हैं वहां जाने के लिए भी लोग गुवाहाटी जरूर जाते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर जगह है ये उस एरिया में। ओकेजनली हाउएवर दे स्टेड ओवरनाइट एंड समटाइम्स वी हैड अनयूजुअल विजिटर्स, वन ऑफ विच वॉज अ टाइगर दैट हैड प्रिज्यूमेबली बीन वॉश्ड अप बाय अ फ्लड। द पग मार्क्स ऑफ द लार्ज कैट वर क्लियरली ट्रेसेबल थ्रू आवर कंपाउंड। तो कहते हैं कि कई बार जो विजिटर्स आते थे गुवाहाटी वो रात के लिए भी वहां रह जाते थे, और फिर वो कहते हैं कि कई बार बहुत अजीब अजीब विजिटर्स आते थे जैसे कि जंगली जानवर। एक बार एक टाइगर है, लगता है कि वो ब्रह्मपुत्री नदी में बाढ़ के साथ ही, बाढ़ के पानी के साथ ही बहकर वहां तक पहुंच गया था, और उसके पग मार्क्स यानी कि उसके पंजों के निशान बहुत ही क्लियरली दिखाई देते थे उनके बंगलों के एरिया में, उसके बंगलों के आसपास। द कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच गुवाहाटी वॉज द हेडक्वार्टर्स एक्सटेंडेड टू बोथ बैंक्स ऑफ द रिवर। द नॉर्थ बैंक हैड अ कैरेक्टर ऑल इट्स ओन, अ वास्ट रिमोट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एजलेस लैंड बिटवीन द सैंड बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड द हिमालयन फुटहिल्स। सो यहाँ इमेज में आप देख सकते हो ये है कामरूप डिस्ट्रिक्ट असम में, और इसके बीचों बीच से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। सो यहाँ पे जॉन रोन्ट्री हमें नदी के नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक दोनों की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो कहते हैं कि जो नॉर्थ बैंक है, ये जो एरिया है नॉर्थ का, इसका एक बहुत ही अलग कैरेक्टर था क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था, बहुत ही खुला था और बहुत ही रिमोट था, पिछड़ा हुआ था। और यहाँ पे जो लैंड थी वो एजलेस थी, मीन्स बहुत ही फ्रेश थी, ऐसे लगता था कि वो एज ही नहीं हो रही है। और वो कैसी थी, वो सैंड की भरी हुई थी, और वो ब्रह्मपुत्र और यहाँ पे जो हिमालयन रेंज है उसके बीच में थी। सो बहुत ही डिफरेंट फील थी नॉर्थ बैंक के एरिया की। इट वॉज अ स्ट्रेंज प्लेस वेयर द रिवर्स ड्राइड अप इन द हॉट वेदर और सडनली डिसअपियर्ड अंडरग्राउंड। समटाइम्स इन कैंप वी हैड टू डिग फॉर वाटर विच वॉज सो डर्टी दैट इट हैड टू बी क्लीन बाय ड्रॉपिंग एलम इन टू द बकेट टू प्रेसिपिटेट द मड। तो कहते हैं कि जो नॉर्थ बैंक है बहुत ही अजीब सा था क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे नदियां बिल्कुल सूख जाती थी, कई बार कोई नदी बिल्कुल ही धरती में गायब ही हो जाती थी। और फिर वो कहते हैं कि जब हम कैंप में नॉर्थ बैंक में रहते थे तो हमें पानी के लिए धरती को गाड़ना पड़ता था क्योंकि वहां पे कोई और सोर्स नहीं था पानी का, और जो पानी वहां से निकलता था वो बहुत मैला होता था, उसे एलम के साथ साफ करना पड़ता था।
एलम देखिए किस तरह से पानी को साफ करता है। जब आपने एक मैले पानी में एलम डाला तो एलम के साथ वो डर्ट चिपक कर नीचे बैठ गई और ऊपर साफ पानी रह गया। सो इस तरह से वो उस डर्टी पानी को क्लीन करते थे। There were numerous bheels replete with wildfowl, peafowl strutted through the grass, and in the Manas sanctuary bordering the Himalayan state of Bhutan were a few rhino. Bheels क्या है? छोटी छोटी water bodies जिसे हम ponds भी कह सकते हैं। और ये जो water bodies थी इनका source नहीं पता था, ये नहीं पता था कि इनमें जो पानी इकट्ठा होता है वो कहाँ से आता है। सो कहते हैं कि ये जो भील्स थी इनमें आपको देखने के लिए अलग अलग टाइप की वाइल्ड नेचर मिल जाती थी, जैसे कि वाइल्ड फाउल, पी फाउल, जिनकी इमेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वाइल्ड फाउल, ये है पी फाउल। और फिर जो मनक सेंचुरी थी, जो भूटान स्टेट, जो भूटान देश के साथ ही लगती है, वहां पर राइनोसरस बहुत ही फेमस है, वहां पर राइनोसरस भी देखने को मिलते हैं। फिर वो कहते हैं द रिवर्स वर फुल ऑफ महासीर and their banks a favorite site for the governor's Christmas camps, which it was my task to build and for which I sometimes received a polite letter of thanks from the great man. Masir is a type of fish, यहाँ पे इमेज में देख रहे हो। तो कहते हैं कि जो रिवर्स थी उस एरिया में, वहां पे ये वाली मछली बहुत पाई जाती थी और ये जो नदी के किनारे हैं वहां पर उनके जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो क्रिसमस कैंप्स के लिए आया करते थे और वो कैंप्स को सेटअप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे राइटर की थी। और वो जब अच्छा काम करते थे तो उनके गवर्नर उन्हें लेटर ऑफ थैंक्स भी भेजते थे। दिस वॉज द होम ऑफ द असम चीतल एंड इट वॉज हियर दैट आई वंस विटनेस द डिलाइटफुल साइट ऑफ अ शी स्लॉथ बेयर कैरिंग हर कडलसम कब ऑन हर बैक। नाउ चीतल इज अ टाइप ऑफ अ डियर। तो कहते हैं कि यहां पर एक बार मैंने देखा कि एक मदर बेयर थी, उसने अपने कब को अपनी बैग पर रखा हुआ था और उसे लेकर कैरी कर जा रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द वाइल्ड्स अ यूरोपियन एंड हिज वाइफ हैड लीज्ड अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद अ व्यू टू ग्रोइंग सिमल ट्रीज फॉर द नियर बाय मैच फैक्ट्री। तो कहते हैं कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक यूरोपियन और उसकी वाइफ ने फॉरेस्ट लैंड का एक हिस्सा लीज पर लिया हुआ था जहां पर वो सिमल ट्रीज उगाते थे। सिमल ट्रीज की जो लकड़ी है वो माचिस की तीलियां बनाने के लिए यूज की जाती है, तो वो ये लकड़ी सप्लाई करते थे पास वाली मैच फैक्ट्री को। सो यहाँ पे हमारे राइटर ने हमें कितने सारे वाइल्ड लाइफ, कितने सारे एनिमल्स जो कि उस एरिया में पाए जाते थे उनके बारे में बताया है। फिर वो कहते हैं दे हैड रिग्ड अप माइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग इन एन अटेम्प्ट टू कीप आउट द डियर बट विद लिटिल सक्सेस एज फार एज द डियर वर कंसर्न्ड दे जस्ट जंप्ड ओवर इट। तो ये जो कपल था जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड लीज पर ली हुई थी, उन्होंने अपने एरिया के आसपास फेंसेस लगाए हुए थे ताकि डियर ना आए, लेकिन वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल थे क्योंकि डियर्स क्या करते थे, वो सिर्फ छलांग मार के फेंसेस को क्रॉस करके उनके एरिया में आ जाते थे। ऑन द अदर हैंड नेवर हैविंग मेट एन इलेक्ट्रिक फेंस बिफोर आई रिसीव द फुल ट्रीटमेंट आई एम अफ्रेड देयर एंटरप्राइज वॉज इन नो सेंस अ वेरी प्रॉफिटेबल वन। फुल ट्रीटमेंट मीन्स मैक्सिमम किसी ने आपको ट्रीट किया, चाहे अच्छा चाहे बुरा। जॉन रोनट्री कहते हैं कि उससे पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक फेंस नहीं देखा था, तो फिर वो कहते हैं कि जब मैंने वो इलेक्ट्रिक फेंस देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिला। और वो कहते हैं कि ये जो एंटरप्राइज है, ये जो फॉरेस्ट उन्होंने लगाए हुए थे, ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं थे, उन्हें कोई भी मुनाफा नहीं कमाया जाता था। हो सकता है कि जो जंगली जानवर हैं वो उनके एरिया में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर देते थे। फर्दर हमारे राइटर कहते हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर द नॉर्थ बैंक वॉज डिलाइटफुल इन द रेनी सीजन इट वॉज अ हॉट बेड ऑफ मलेरिया एंड वॉज बेस्ट अवॉइडेड ट्रेवल एट दिस टाइम ऑफ ईयर कुड ऑल्सो पोज प्रॉब्लम्स। तो कहते हैं कि जब सर्दी का मौसम था तब नॉर्थ बैंक का एरिया बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन बारिशों में तो वहां पर मलेरिया यानी कि बहुत ज्यादा मॉस्किटोज फैल जाते थे, इसलिए वहां ना जाना ही अच्छा था। और वहां पर बारिशों के मौसम में ट्रैवल करना बहुत रिस्की भी था, इसलिए कोई नहीं जाता था। द रिवर्स वर इन फ्लड एंड द बैम्बू ब्रिजेस इरेक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द कोल्ड वेदर वर सून वॉश्ड अवे। अब मॉनसून में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो जितने भी रिवर्स हैं उनमें फ्लड आ जाता है और जितने भी ऐसे ब्रिजेस बने होते थे बैम्बू के वो भी पानी के साथ बह जाते थे।
These bridges swayed and creaked alarmingly under a passing car, but were immensely strong and extremely useful. Once I forded one of these flooded rivers on horseback. Forded means crossed. तो कहते हैं कि ये जो ब्रिजेस बैम्बू के बने होते थे, ये होते तो बहुत मजबूत थे, लेकिन जब भी कोई गाड़ी इनके ऊपर से गुजरती थी तो ये बहुत ज्यादा हिलते थे और आवाज भी करते थे। एक बारी इन्होंने घोड़े के ऊपर बैठकर ऐसे एक ब्रिज को क्रॉस किया। With difficulty, I persuaded my mount to plunge into the water, then slipped over his croup and hung on his tail, which I was able to use as a rudder. When I pushed it to the right, the horse veered to the left and vice versa, and we eventually made a safe landing on the other side of the river. Now, croup is the back of the horse, जहाँ पर इमेज में हाईलाइट किया गया है। तो हमारे राइटर कहते हैं कि मैंने बहुत मुश्किल के साथ अपने हॉर्स को मनाया और वो फिर फाइनली पानी में चला गया और मैंने फिसल के उसकी बैक के ऊपर ऐसे स्लिप कर लिया और उसकी पूंछ के सहारे मैं वहां पर टंगा रहा और उसकी पूंछ से मैंने एक रडर की तरह काम लिया। कैसे? मैंने जब उसकी पूंछ को लेफ्ट साइड को घुमाया तो वो राइट को जाने लग गया और जब मैंने उसे राइट साइड की तरफ घुमाया तो हॉर्स लेफ्ट साइड को जाने लग गया। तो इस तरह से उन्होंने हॉर्स को नेविगेट किया और नदी को क्रॉस किया। मोर यूजुअली क्रॉसिंग्स वर मेड इन अ मार बोट, अ टीडियस परफॉर्मेंस एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स। द मार विच वॉज अ फेरी कंसिस्टेड ऑफ अ प्लैंक प्लेटफॉर्म कवरिंग टू ओपन बोट्स प्लेस्ड अलोंगसाइड वन अनदर। तो वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इस तरह से मार बोट्स यूज की जाती थी और वो कहते हैं कि यूजुअली हम भी उन्हें यूज करते थे रिवर क्रॉस करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम था। ये जो मार थी ये एक फेरी के जैसी थी, मींस एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का प्लेटफॉर्म था जो कि दो बोट्स के ऊपर रखा जाता था और फिर वो दो बोट्स इकट्ठे चलती थी और नदी को क्रॉस करती थी। दीज वर ईदर पैडल्ड अक्रॉस द रिवर और कनेक्टेड बाय अ रनिंग केबल टू अनदर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रिवर वेयर प्रोपेल्ड फ्रॉम वन साइड टू द अदर बाय द फोर्स ऑफ द करंट। तो ये जो दो बोट्स हुआ करती थी, या तो इन्हें पैडल करके क्रॉस किया कराया जाता था नदी, या फिर एक केबल यानी कि एक रस्सी होती थी जो कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती थी और उस रस्सी के सहारे पानी के करंट की मदद से वो लोग रिवर को क्रॉस करते थे। दिस इंजीनियस डिवाइस वर्क वेरी वेल बट कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट्स हैड टू बी मेड टू अलाउ फॉर द राइज एंड फॉल ऑफ द रिवर्स। इंजीनियस मीन्स होम मेड। अब ये एक जैसे हम इंडिया में कहते हैं ना एक जुगाड़ है, इस तरह का जुगाड़ बनाया हुआ था ये जो रस्सी वाला सिस्टम था नदी क्रॉस करने का। तो इसे बार बार एडजस्ट करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू द राइज एंड फॉल ऑफ द रिवर, मीन्स रिवर के करंट रिवर के बहाव के हिसाब से उन्हें वो रस्सियों को एडजस्ट करना पड़ता था। अ होल सीरीज ऑफ घाट्स और लैंडिंग प्लेसेस हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑन द रिवर बैंक। नाउ नदी के किनारे घाट्स बनाए जाते थे। घाट्स क्या होते हैं? ऐसी जगहें जहां से आप बोट में चढ़ सकते हैं और बोट से उतर सकते हैं। सो नदी पर अलग अलग जगहों पर इस तरह के लैंडिंग प्लेसेस बनाई जाती थी। फॉर्चुनेटली ट्रैफिक वॉज लाइट एंड ऑल्दो क्रॉसिंग टुक टाइम देयर वर फ्यू डिलेज। द अदर डिफिकल्टी अबाउट ट्रैवल एनीवेयर इन असम ड्यूरिंग द रेन्स वॉज द फैक्ट दैट द डर्ट ट्रैक्स सून बिकेम अनयूजेबल बाय नॉर्मल कार्स एंड द जीप हैड येट टू बी इन्वेंटेड। तो कहते हैं कि नदी क्रॉस करने के लिए कम ही लोग हुआ करते थे, इसलिए ज्यादा डिले नहीं होता था। उसके अलावा अगर आपने आसाम में ट्रैवल करना है तो बारिश के मौसम में एक और प्रॉब्लम हो जाती थी कि जितने भी रास्ते थे वो कीचड़ से भर जाते थे और ऐसे रास्तों के ऊपर नॉर्मल कार्स का चलना मुश्किल हो जाता था और तब जीप इन्वेंट नहीं हुई थी, इसी वजह से ट्रैवल मुश्किल हो जाता था बारिश के दिनों में। Once when touring with my family on the north bank, we left our return rather late, or rather the monsoon broke rather early, and although the roads were still motorable, driving became distinctly dicey. Dicey means risky. तो कहते हैं कि एक बार जब मैं अपनी फैमिली के साथ नॉर्थ बैंक में घूम रहा था तो हम हो सकता है थोड़ा लेट हो गए थे या फिर कह सकते हैं कि बारिशें थोड़ी जल्दी शुरू हो गई थी। रोड्स तो अभी मोटरेबल थी, मींस उन पर गाड़ियां चलाई जा सकती थी, लेकिन रिस्की हो गई थी सिचुएशन। मोस्ट ऑफ द मेन रोड्स वर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ एम्बैकमेंट्स टू रेज देम वेल अबव द नॉर्मल फ्लड लेवल एंड दे वर नैरो सिंगल ट्रैक अफेयर्स। द रोड वी वर ऑन बिकेम इंक्रीजिंगली ग्रीसी,
one skid led to another, and finally we slithered over the edge into a paddy field some 6 feet below the road. So, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब वो ऐसे नॉर्थ बैंक में ट्रेवल कर रहे थे, ज्यादातर आसाम में जो सड़कें हैं उनका जो लेवल है, रोड का जो लेवल है, वो साइड की जमीन के लेवल से हायर है, ताकि वो फ्लड को अवॉइड कर सके. मीन्स अगर फ्लड सिचुएशन हो भी जाए तो वो रोड पानी में ना डूबे, इसी वजह से. और जो रोड थी वो कैसी थी, बहुत ही पतली सिंगल ट्रैक रोड थी. तो कह रहे हैं कि हम जिस रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे वो बहुत ही स्लिपरी हो गई थी और बार बार उनकी गाड़ी स्किड कर रही थी, और फाइनली उनकी गाड़ी स्लिप हो गई, रोड से नीचे उतर गई और वो एक चावल के खेत में चली गई, ऑलमोस्ट 6 फीट बिलो द रोड. तो उनकी कार आप देख सकते हैं यहाँ पर थी और वो ऐसे फिसल कर ये चावल के खेत में चली गई. सो मानो कि एक छोटी सी खाई में उनकी गाड़ी गिर गई. पैडी फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल एनक्लोजर्स बाय लो बैंक्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्लड वाटर रनिंग अवे, एंड वी हैड वन ऑफ द मोस्ट बम्पी राइड्स ऑफ माय एक्सपीरियंस बिफोर फाइंडिंग अ वे बैक ऑन टू द रोड. तो हमें सबको पता ही है कि जो चावल की खेती है वो पानी में होती है. तो कहते हैं कि जो पैडी फील्ड्स थी वो भी कैसी थी कि छोटे छोटे इनक्लोजर्स बने होते हैं जो कि पानी में डूबे हुए होते हैं, ताकि पानी वहां से बाहर ना निकल जाए. तो कहते हैं कि ऐसे ही वो ऑलमोस्ट पानी में ही डूब गए थे जब वो ऐसे फ्लड के टाइम पर चावल के खेत में लैंड हो गए, और बहुत ही बम्पी राइड थी और काफी मुश्किल के बाद उन्हें वापस सड़क पर आना मिला. At the start of our travels, before the rains broke, the roads had been so dry that the surface was almost invisible under a cloud of dust. तो जब उन्होंने नॉर्थ बैंक में ट्रैवल शुरू किया था तब बारिश शुरू नहीं हुई थी, तो सड़कें इतनी ड्राई थी कि वहां पर हमेशा इतनी डस्ट रहती थी कि सड़क दिखाई ही नहीं देती थी. और एकदम से जब बारिश हो गई तो सीन कितना चेंज हो गया. Driving was difficult and one's destination uncertain. At one place, road work had been in progress, and one of the favorite hazards of road workers, a ramp lay concealed from sight under the dust cloud. Concealed means hidden, छुपा हुआ. तो कहते हैं कि ऐसे जब मिट्टी का इतना डस्ट उड़ रहा था तो उसमें ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि आपको सड़क नहीं दिखाई देती थी तो पता नहीं चलता था कि हमको किधर को जाना है. तो एक तरफ एक सड़क पर काम चल रहा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो रोड वर्कर्स यूज करते हैं, एक रैंप, वो सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था और वो इस मिट्टी की ढेरी में छुपा हुआ था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था. मीन सड़क के ऊपर एक ऑब्स्ट्रक्शन थी और वो दिखाई भी नहीं दे रही थी बिकॉज ऑफ द डस्ट. No warning signs were in use, or if they were not visible, nor was this one of the puny ramps usually encountered in civilized countries, but a step about 6 inches high. Needless to say, the impact when we hit it was considerable. तो कहते हैं कि ना तो वहां पे कोई निशान चिन्ह था कि चेतावनी दी हो कि यहाँ सड़क पर काम चल रहा है, सड़क पे रैंप पड़ा हुआ है, और वो जो रैंप था वो भी बहुत ही अजीब सा था. ऐसा नहीं था कि जो सिंपल से रैंप सिविलाइज कंट्रीज में यूज होते हैं, ये बहुत ही अब्रप्ट सा था. 6 इंच ऊंचा रैंप सड़क के बीचों बीच पड़ा है और दिखाई भी नहीं दे रहा. और जब उनकी गाड़ी उस रैंप में हिट की तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, बहुत ही जोर से उन सबको झटका लगा. As the car was carrying my wife, myself, the baby and her aya, our servants and the usual mass of camp equipment, it says much for the motor engineers of those days that not a single spring was broken on either of these occasions. Probably the fact that we were packed like sardines in the car saved our bones. तो कहते हैं कि हमारी कार बिल्कुल भरी हुई थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा सामान था. और फिर वो कहते हैं कि उस टाइम के मोटर इंजीनियर्स काफी अच्छी गाड़ियां बनाते थे, क्योंकि एक भी स्प्रिंग नहीं टूटा था ऑल्दो उनकी गाड़ी को इतना डैमेज हुआ था. और फिर वो कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि हम लोग कार में भरे हुए थे, चिपक चिपक के बैठे हुए थे, जैसे कि डब्बे में मछलियां. सार्डाइन इज अ टाइप ऑफ फिश. तो कहते हैं कि जिस तरह डब्बे में मछलियां ऐसे चिपक चिपक के रखी होती हैं, इसी तरह हम सब भी गाड़ी में बिल्कुल फंस के चिपक चिपक के बैठे हुए थे. हो सकता है उसी वजह से ये जो एक्सीडेंट्स हुए उससे हम पर कोई असर नहीं हुआ, हमारी कोई भी हड्डी नहीं टूटी, क्योंकि हम भी ऐसे चिपक चिपक के बैठे थे तो किसी को भी झटका जोर से नहीं लगा.
The south bank was more homely, distances were less and the terrain smaller. The reserve forests were mostly in one block. It was a country of low hills and valleys, the trees interspersed with the villages and cultivation, and the forest itself, mostly of sal, had more the character of English woodland. अब वो साउथ बैंक यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के सदर्न एरिया के बारे में हमें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि वो एरिया ज्यादा होमली था क्योंकि वो छोटा था, डिस्टेंसेस भी कम थे, और फिर वो कहते हैं कि वहां पे जो रिजर्व फॉरेस्ट था वो एक ही ब्लॉक में था, और वहां पे बहुत ही छोटी छोटी पहाड़ियां थी, छोटी छोटी वैलीज थी, और जितने भी पेड़ थे उनके बीच में गांव भी थे और खेती भी थी, और जो जंगल था वो सिर्फ सैल ट्रीज का था और इंग्लिश वुडलैंड के जैसा था, जैसे इंग्लैंड में जंगल होते हैं दिखने में वैसा था, इसलिए उन्हें वो होमली लगता था, घर जैसा लगता था। टू कंफर्टेबल फॉरेस्ट बंगलोज सर्व्ड आवर नीड्स। वन एट कुलसी वाज डिलाइटफुली सिचुएटेड ऑन अ वुडन स्पर अबव द रिवर, द अदर राजापारा इन अ क्लियरिंग वुड हैव बीन इक्वली चार्मिंग इफ इट हैड नॉट बीन फॉर द बैट्स व्हिच लिव्ड इन द रूफ। Their droppings were a constant reminder of their presence and the fusty smell of bat was ever with us. तो कहते हैं कि दो फॉरेस्ट बंगलोस थे हमारे लिए। एक बंगलो था कुलसी में जो कि एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर था, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो ना, स्टिल्ट्स लगे हुए हैं, असम में इस तरह के घर बनाए जाते हैं, तो कुलसी में जो बंगलो था वो इस तरह से बना हुआ था, और जो दूसरा बंगलो था राजा पारा में वो जंगल एरिया में बना हुआ था, वहां पे कुछ एरिया खाली किया हुआ था, जंगल काट कर वहां पर बनाया गया था, और वो भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन वहां पर बैट्स रहते थे, और बैट्स हैं जो वो अपनी ड्रॉपिंग्स यानी कि वेस्ट मटेरियल को इधर उधर घेरते रहते थे, और उसकी जो स्मेल थी बैट्स की वो हमेशा उन्हें उनकी याद दिलाती रहती थी, और इसी वजह से वो इतना अच्छा नहीं लगता था हमारे राइटर को। Larger but less smelly were the huge fruit-eating bats with a wingspan of 5 feet which lived in a tree outside the bungalow and issued forth at dusk in search of food. A strange host of ghostly shapes gliding through the air on silent wings. Forth means forward. तो कहते हैं उनके बंगलों के बिल्कुल बाहर एक पेड़ पर बहुत ही बड़े बड़े लेकिन कम स्मेल वाले फ्रूट ईटिंग बैट्स भी रहते थे, जिनके पंख 5 फीट की लेंथ के थे, मीन्स जो टोटल विंग्स टू विंग की जो एज टू एज की लेंथ है वो 5 फीट की थी, और रात के समय वो खाना सर्च करने के लिए इधर उधर उड़ते रहते थे, और ऐसे हवा में दिखता था कि बहुत ही अजीब भूतों जैसे शेप्स हैं इन बैट्स की जो कि इधर उधर मंडरा रहे हैं। क्लोज टू द बंगलो वॉज अ लार्ज भील वेयर एन अर्थक्वेक हैड वंस लोअर्ड द सर्फेस एंड द लैंड बिकेम इनंडेटेड विद वॉटर। इट वॉज एन ईडी स्पॉट वेयर ट्री स्केलेटन स्टिल रोज आउट ऑफ द वॉटर, अ रिमाइंडर दैट इट हैड वंस बीन ड्राई लैंड। उस बंगले के पास एक बहुत ही बड़ा भील था, बहुत ही बड़ा पॉन्ड था। वो पॉन्ड कैसे बना था, एक बार एक अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक की वजह से वो जो धरती है उसका लेवल थोड़ा सा नीचे चला गया था और वहां पर पानी इकट्ठा हो गया था। वो बहुत ही अजीब सा स्पॉट था, डरावना था, स्ट्रेंज था, क्योंकि वहां पर उस भील में से ट्री स्केलेटन्स निकले हुए थे। ट्री स्केलेटन्स क्या होते हैं, डेड ट्री के रिमेन्स होते हैं जिन पे कोई पत्ते नहीं होते लेकिन सिर्फ पेड़ की शाखाएं होती हैं, और वो उन्हें ये याद दिलाता था कि ये जो भील है वो एक टाइम पर ड्राई लैंड हुआ करती थी। In spite of its somewhat macabre associations, however, Rajapara was a pleasant place to work in, and the paddy fields where the jungle fowl gleaned the grain after harvest and sometimes found their way into the pot were cheerful, sunny and open spaces. Macabre means strange. तो कहते हैं कि राजापारा की ऐसे बहुत ही अजीब अजीब कहानियां थी, जैसे कि उन्होंने हमें बताई बैट्स की और वो भील की, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी जगह थी काम करने के लिए, और वहां की जो पैडी फील्ड थी वहां पे जंगल फाउल्स देखने को मिलते थे और वो सारे ग्रेन को खाते रहते थे, और फिर कई बार तो वो खाना पकाने वाले पॉट्स में भी आ जाते थे, लेकिन जो एरिया था बहुत ही चेयरफुल, सनी और खुला डुला था। But Kulsi was my favorite. The bungalow was surrounded by teak plantations planted some 60 years before and now almost mature. In fact, growth in the Assam climate was too rapid to produce first-class teak, and the local variety, though a useful furniture wood,
वॉज नेवर अप टू बर्मा स्टैंडर्ड्स। हमारे राइटर की जो मनपसंद जगह थी वो थी कुलसी। वो कहते हैं कि हमारा जो बंगलो था उसके आसपास टीक के पेड़ थे, वो ऑलमोस्ट 60 ईयर्स पहले लगाए गए थे और अब वो पेड़ बड़े हो गए थे। असम का जो मौसम है उसमें टीक के पेड़ बहुत तेज उगते थे, इसी वजह से उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। ऑल्दो फर्नीचर तो बन सकता था उनसे, लेकिन जो बर्मा के टीक के पेड़ थे उनके सामने असम के टीक की क्वालिटी कम थी। क्लोज बाय वॉज अ रबर प्लांटेशन ऑफ फिकस इलास्टिका, बट नो टैपिंग हैड टेकन प्लेस फॉर सम इयर्स सिंस इंडियन रबर वॉज नो लॉन्गर एबल टू कम्पीट विद पैरा रबर कमर्शियली। अब उनके कुलसी के बंगलों के पास ही एक रबर प्लांटेशन भी थी, वहां पर रबर उगाई जाती थी, लेकिन उसका सैप कलेक्ट नहीं किया गया था क्योंकि अब भारत की जो रबर है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि कमर्शियली पैरा रबर है जो वो ज्यादा पॉपुलर थी। फिकस इलास्टिका बिलोंग्स टू द फिग फैमिली ऑफ विच सेवरल स्पीशीज आर फाउंड इन असम। सम ग्रो टू एन इमेंस साइज हैविंग स्टार्टेड लाइफ एज क्लाइंबिंग एपिफाइट्स ऑन अदर ट्रीज। फिकस इलास्टिका इंडियन रबर वो फिग फैमिली को बिलोंग करती है और इसकी बहुत सारी जातियां असम में पाई जाती हैं। कई तो बहुत बड़े बड़े रबर के प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं और वो कैसे शुरू होते हैं, वो क्लाइंबर ट्रीज की तरह शुरू होते हैं और धीरे धीरे दूसरे पेड़ों पर चढ़कर वो बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। Eventually, the host tree becomes completely encased by the ficus, which forms a smooth bark around it. The host dies and the epiphyte takes over. तो यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ भी ये जो रबर ट्री है ये एक दूसरे पेड़ के ऊपर उगना शुरू हो रहा है। धीरे धीरे ये उगकर इतना बड़ा हो जाएगा कि इस पेड़ को नष्ट करके सिर्फ रबर ट्री ही रह जाएगा। सो ये चीज यहाँ पे हमें राइटर ने बताई है। सम लाइक द बनियन सेंड डाउन एरियल रूट्स फ्रॉम देयर ब्रांचेस विद हेल्प टू बट्रेस द ह्यूज बल्क ऑफ द ट्री। अब जो बनियन ट्री है, अगर ऐसे बड़े पेड़ के ऊपर एक रबर ट्री उग जाए तो ये जो बनियन ट्री की एरियल रूट्स निकल रही हैं ये भी नीचे धरती तक पहुंच जाती हैं और ये इस ट्री को सपोर्ट करती हैं। और ये ऐसे ट्रीज खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते, लेकिन जो दूसरे टाइप के ट्रीज हैं, जो नॉर्मल ट्रीज हैं, उनको रबर ट्री खत्म कर देता है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मेमोयर्स ऑफ अ छोटा साहिब। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे राइटर बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ और साउथ में किस तरह का एरिया है, किस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं, किस तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, कैसी लाइफ है, वो सब उन्होंने यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में डिस्क्राइब किया। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट्स। एंड विद दिस इज रुचिका साइनिंग ऑफ। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, गुड बाय।